कहाँ जाएंगे मेरे बीवी बच्चे, फुटपाथ पर आ गए। मैं फुटपाथ तक पर सोया वाल जी साहब, मैं आपको अपना बड़ा भाई पिता समान मानता हूँ। आप अपने पिता जेब तक वाल जी साहब, ये दिखाता हूँ आपको, मेरी जेब तक फटी पड़ी है, मेरी जेब में रखने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। सर हमें हमारा रोजगार वापस कर दीजिए। लड़का फेल हो गया, उसके ट्यूशन की फीस नहीं दे पाई मैं किसके आगे गिर गया हूँ, यहाँ तक कि मेरा आदमी मेरे साथ नहीं देता। कमाते इधर पीते हैं, हम कहाँ जाए, हम किसके आगे गिर गिराए, हम बताइए। मेरी एज भी ओवर हो गई है, मेरी 45 साल से ऊपर एज हो गई है, मुझे कोई रोजगार नहीं दे रहा है। मेरा हाथ पकड़ लो एलजी साहब, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा एलजी साहब मर जाऊंगा। मैं बहन मुझे क्षमा कर दियो, मैं तेरे भी दुख दूर नहीं कर पा रहा, मेरी बहन मुझे क्षमा कर दे। मेरे 10,700 बहन भाई है यहाँ बैठे, बेचारे देख लो कैसे उदास बैठे हैं, उदास। आदरणीय एलजी साहब, मेरे बड़े भाई दिल्ली के महामहिम वीना कुमार सक्सेना जी के चरणों में मुझे राजेश सक्सेना का प्रणाम। एलजी साहब मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, आप हमारी सुन लीजिए, हम कहाँ जाएंगे, आप ही हमारे माई बाप हो, आप हमारी अल्लाह ईश्वर गुरु नानक राम, आप ही हमारे भगवान है, सर्व सर्व आप ही हो। हम गरीबों की पुकार सुन लीजिए एलजी साहब, हम बहन भाई 10,700 बांध में है, कहाँ जाएंगे, मेरे बीवी बच्चे फुटपाथ पर आ गए, मैं फुटपाथ तक पर सोया वाल जी साहब, मैं आपको अपना बड़ा भाई पिता समान मानता हूँ। आप अपने पिता होने का फर्ज, मेरे बड़े भाई होने का फर्ज निभाइए। आप भी कायस तो आप भी सक्सेना, मैं भी सक्सेना हूँ, कुछ तो रहम कीजिए एलजी साहब हम पे, हम दिल्ली की जनता है, आप ही के छोटे बहन भाई हैं, कृपया हमारे पे दुख दर्द समझिए एलजी साहब। आप हम आपसे बड़ी उम्मीद रखते हैं एलजी साहब, आप हमारे सर्व सर्व है, हमारे भगवान हो आप, हमारे पिता हो आप। मेरे से कोई गलती हो गई एलजी साहब, मैं क्षमा मांगता हूँ, अपने 10,700 बहन भाई करके देखो कान पकड़े क्षमा मांगता हूँ, क्या हो तो मैं आपको पैर भी पकड़ना हो तो यार हूँ, मैं अपना सर झुकाता हूँ, आपके चरण में सर झुकाता हूँ एलजी साहब। हमसे कोई गलती हो गई तो आप हमारे बड़े हो, कुछ चीज़ को इग्नोर कर दो, ध्यान मत दो हम पे, हम तो बच्चे हैं आपके। एक पिता ही होता है अपने बच्चे को मार पीट के भी कहता नहीं बेटा ये चीज़ गलत है, सांप के आगे मत, सांप जा रहा है मेरा पिता मुझे रोकेगा, बेटा सांप के आगे मत जाओ, ऐसे आप भी हमें बुराई से बचाओ, हमें अच्छे राह दिखाओ, हमारे को रोजगार दो ताकि हम अपने उसके द्वारा अपने बीवी बच्चों को पाल सकें, उनका पालन पोषण कर सकें। मेरा एक छोटा बच्चा है, मेरे से पूछता पिताजी मुझे कुरकुरे खाने, मैं कहाँ से 5 रुपये दूँ, देखो मेरी जेब तक जी साहब, ये दिखाता हूँ आपको, मेरी जेब तक फटी पड़ी है, मेरी जेब में रखने तक के पैसे नहीं है, मेरे पर्स में पैसे, ये देखो मैं छेद डाल के दिखा रहा हूँ, मेरी जेब तक फटी पड़ी है, मेरी जेब में तक पैसे नहीं है, मेरे पर्स में पैसे नहीं है, मैं बिल्कुल लाचार बेबस हो चुका हूँ इस वक्त, तो मैं खाने तक को रोटी नहीं है एलजी साहब, मैं किससे अपना दुख कहूँ, आप से नहीं कहूँगा तो मैं किससे कहूँगा एलजी साहब, आप तो मेरे बड़े भाई हो, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, मैं आपसे पूरी उम्मीद रखता हूँ, जैसे भगवान से उम्मीद रखता हूँ वैसे मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, तो हमारा काम जरूर करेंगे। एलजी साहब से सिर्फ एक ही विनती है, सर हमें हमारा रोजगार वापस कर दीजिए, सर हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना बच्चों का पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत आ रही है, हम इस एज में कहाँ जाएं, आप ही बताइए कहाँ जाएं सर, आप बताइए सर। मेरे पिछले साल एक लड़का फेल हो गया, उसकी ट्यूशन की फीस नहीं दे पाई मैं किसके आगे गिर गिरा हूँ, यहाँ तक कि मेरा आदमी भी मेरे साथ नहीं देता। आजकल के आपको पता ही है सर, मिडिल क्लास के लोग कैसे होते हैं, आदमी कैसे होते हैं, इधर कमाते इधर पीते हैं, हम कहाँ जाए, हम किसके आगे गिर गिराए, आप बताइए। एलजी साहब हमारी सुन लीजिए, आप मेरे पिता समान हो एलजी साहब, मेरी एज भी ओवर हो गई है, मेरी 45 साल से ऊपर एज हो गई है, मुझे कोई रोजगार नहीं दे रहा है, मेरा हाथ पकड़ लो एलजी साहब, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा एलजी साहब में मर जाऊंगा, कहाँ जाओ किससे अपना दुख कहो, इस महंगाई में टमाटर लेने जाओ, अपने भाई पूछा बाजार गया टमाटर पूछा इतने रेट चल रहा है, लहसुन इतने रेट चल रहा है, प्याज इतने रेट चल रहा है, किससे अपना दुख कहो एलजी साहब, आप मेरा दुख समझ लो एलजी साहब, नहीं तो मैं मर जाऊंगा एलजी साहब, मैं आत्महत्या
क्या कर लूंगा एलजी साहब, मैं अपना अपना दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा एलजी साहब, दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा एलजी साहब, मैं अपने प्रभु के पास चला जाऊंगा, अपने प्रभु के पास चला जाऊंगा। मेरी बहन दुखी है, मेरे जीजा जी कुछ करते नहीं है, मेरी बहन दुखी है, मेरी बहन है, मेरे जीजा जी कोई काम धंधा नहीं करते, अपनी बहन करे तो कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कैसा भाई हूँ, मैं बहन मुझे क्षमा कर दियो, मैं तेरा भी दुख दूर नहीं कर पा रहा, मेरी बहन मुझे क्षमा कर दे। मेरे 10,700 बहन भाई है यहाँ बैठे बेचारे, देख लो कैसे उदास बैठे हैं, उदास उदास चेहरा है इनका, चेहरा देखो इनके आंसू तक सूख गए, इनके आंसू तक सूख गए, रो रो के आंसू सूख गए इनके। कोई सुनने वाला नहीं है, कहाँ आ जाए, किसका अपना दुख है बहन। शांत हो भैया, शांत हो, एलजी साहब हमारे, एलजी साहब हमारे सुनेंगे, 100% सुनेंगे, हमें एलजी साहब पे बहुत भरोसा है, हमारे बड़े भाई है, आप हम आपसे बड़ी उम्मीद रखते हैं, मेरे पिता समान हो, मेरे पिता नहीं इधर इस धरती में, मेरे पिता नहीं है, मैं आप ही को अपना पिता मानता हूँ एलजी साहब, हमारा दुख दर्द सुन लीजिए एलजी साहब, अब आप ही के हाथ में सदिए, आपको एक सिग्नेचर से हमारी जिंदगी बन जाएगी एलजी साहब, आप सिग्नेचर कर दीजिए, हम 10,000 बहन भाइयों की दिवाली अच्छी मना दी, पिछली बार हमारी दिवाली काली बनी थी एलजी साहब, इस बार तो हमारी दिवाली अच्छी मना दी एलजी साहब।